आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। क्या लगा था पिंड वालों को? करतार जेल गया, बस वही सड़ेगा जिंदगी भर और एक दिन अपनी एड़ियां रगड़ रगड़ के वही मर जाएगा। नहीं ओए नहीं, मैं वहां से भाग गया और अब मैं सपना पूरा करूंगा। तेरी बीजी मेरी रतन, मेरी रतन से शादी करूंगा मैं। करता जाचू। मैनू माफ कर दो, मैनू पता है मैंने वीजी के साथ अच्छा नहीं किया। वो हर बारी मनाते रहे और मैं उनसे बात ही नहीं की, इसलिए वो गायब हो गए। और इसमें मुझसे ज्यादा गलती आपकी है रखी। आपने तो मैनू बोला ना कि वीरा तू अपने वीजी से बात नहीं कर, मैनू रोकना चाहिए था ना। मैं तो बच्ची हूँ और अब समझदार होना रखती। चलो ठीक है, जो कुछ भी हुआ सो हुआ, पर आप सब मुझे ठीक कर दो ना। और आपको तो पता भी होगा ना कि मेरे वीर जी कितने छुपे, आप मुझे बता दो ना रब जी। देखो ना रब जी, मैं आपके बिना बोले अपने आप को सजा दे रही हूँ। मैं पक्का वादा करती हूँ रब जी, मैं आज से मेरे वीर जी के साथ कभी कट्टी नहीं होंगी, उनसे कभी नाराज नहीं होंगी, मैं उनसे हमेशा बात करूंगी। पक्का वादा रब जी। चाय जी। हाँ पुत्र। आप ये प्याज भी काट दीजिए ना, मैं चूल्हे पर दाल चढ़ा रही हूँ। ओए कितने चली झांसी की रानी, लड़ाई पर? मैं मेरे वीर जी को ढूंढने जा रही हूँ चाय जी। आयो मेरे रब्बा, तेरे को कब से इतनी फिक्र होने लगी अपने वीर की? किसी को ढूंढने के लिए कोई जरूरत नहीं जाने की कहीं भी, समझ गई तू? वो आ जाएगा खुद ब खुद। मैनू लगता है वो स्कूल से सीधा खेता विच चला गया होगा। नहीं पीछी, वीजी मैनू बिना बताए इतनी देर के लिए कहीं नहीं जाते। मैनू लग रहा है कि वीजी कहीं पिंड की गलियों में खो गए होंगे। तेरा वीर पिंड की गलियों में खो गया? खो जाने के लिए कोई बच्चा है क्या? उसे पिंड की गलियां बराबर पता है, आ जाएगा। तो है क्यों नहीं वो उन गलियों से? मैं मेरे वीजी को ढूंढने जा रही हूँ, बस मेरे पास गल करने के लिए समय नहीं है, अब मैं जा रही हूँ। ओ चीचड़ी, राजू आप ये सब क्यों कर रहे हो? मैं इतने क्यों लेकर आ गए? रणवीर पुत्र,
मैं तो तुझे यहाँ तेरी भलाई के लिए ही लाया हूँ, तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी पूरी करने के लिए लाया हूँ। कमी? कौन सी कमी? एक बाप की कमी पुत्र, एक प्यो की कमी पूरी करने के लिए। क्या लगा था पिंड वालों को? करतार जेल गया, बस वही सड़ेगा जिंदगी भर, और एक दिन अपनी एड़ियां रगड़ रगड़ के वहीं मर जाएगा। नहीं ओए नहीं, मैं वहां से भाग गया और अब मैं अपना सपना पूरा करूंगा। तेरी बीजी, मेरी रतन, मेरी रतन से शादी करूंगा मैं। करता दशु, ऐसे गल करते हैं? ऐसे गल करता है कोई अपने होने वाले पियो दे नाल? आराम से पुत्र, आराम से, जरा तमीज से गल कर। मैं तेरा होने वाला पियो हूं पियो। करदार चाचू, आप ऐसी गंदी बात सोच कर सकते हो? क्यों नहीं सोच सकता? क्यों नहीं सोच सकता? बहुत पहले से सोचते आ रहा हूं। अब मुझे सोचना नहीं है, अब तो करने का वक्त आ गया है, अपना सपना पूरा करने का वक्त आ गया है। मैं जानता हूं पुत्र, तू जान है ना अपनी पीछे की, मुझे पता है तेरी बीजी तेरे लिए यहां जरूर आएगी और आने के बाद अपने आप को मेरे हवाले भी कर देगी। करतार सिंह, खबरदार! पुत्र, लगी तो नहीं ना तुझे? लगी तो नहीं ना? देख, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस मैं तुझे यहाँ इसलिए लाया हूँ कि तेरे पीछे पीछे तुझे बचाने के लिए तेरी बीजी भी यहाँ आ जाएगी, और एक बार तेरी बीजी यहाँ आ जाएगी ना, मुझसे शादी कर, सब ठीक हो जाएगा। देख रणवीर पुत्र, मैं ना तुझसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं तुझसे, पर प्यार का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। जाना तू, बस फिक्र ना कर, तू आराम से यहां बैठ, आराम से। नहीं, क्यों हो रहा है? मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, पर कैसे रुकूं मैं? घर पे भी सब परेशान हो गए होंगे, हीरा ये सब तो पता नहीं। देखी नहीं जा सकती? अरे मैं देखी तो रही थी अपने बीजी नो इत्थे आकर, अब बीच में आ गए। बकवास ना करो, जा यहाँ से। मैं अभी कैसे जाऊँ ताई जी, जब तक मेरे बीजी में उन्हें मिल जाते। इत्थे गए तेरा बीजी? वो फूल में जा रही थी ना, तो वो मेरे पीछे पीछे ही चल रहे थे, अचानक से गायब हो गए और मैं डर गई, तो मैं तब से उनको ढूंढ रही हूँ और वो मिल ही नहीं रहे, इसलिए मैं आपके घर आई ढूंढने के लिए। देख, ये पिंड का मेला नहीं है जहाँ मुंह उठा के आ गया अपने वीरजी को ढूंढने, घर है ये मेरा, जब बाहर जाके ढूंढ घूम रहा होगा यहीं कहीं। नहीं, मैंने सब जगह देख लिया, इसलिए तो आपके पास आई हूँ गुंजन दीदी से पूछने के लिए कि मेरे वीरजी इत्थे आए थे कि। गुंजन ना अभी घर पे नहीं है, जब आएगी तेरे यहाँ भेज दूंगी, जा यहाँ। अच्छा, गुंजन दीदी घर पे नहीं है तो बलवर ताजू ने बुलाओ ना, उनसे कुछ बात करनी है। क्यों, उनसे क्या बात करनी है तूने? वो पिंड के सरपंच है ना,
तो मैं उन्हें कह दूंगी कि वो सबको बोले कि सब मेरे वीर जी को ढूंढे। देख तो उसे कैसे हुक्म चला रही है। तेरे वीर को ढूंढे, वो तनख्वाह देती है तू उनको? क्यों दिए पैसे? क्यों, मैं क्यों दूं उन्हें पैसे? आप अपने गुल्लक से दो। मैं क्यों दूं? तेरा का मैं तोड़ दे। अच्छा ठीक है, अपना हाथ आगे करो बंसूरी ताई जी। क्यों, अब कौन सा प्रसाद लेके आई है तू? ले। हेलो, बंसूरी ताई जी, ये 5 रुपए है, 5 रुपए। और आप बलवंत ताई जी बोल देना कि उनके बाकी के खाम खाम के पैसे मैं ढूंढ रही हूँ, मिलेगा तो दे दूंगी। तब तक वो मेरे वीर जी नु ढूंढना चालू करे सबके साथ, समझ गई आप? अब बोल दीजिएगा। जा सकते हैं? खेत, खेल का मैदान, बलवंताया जी का घर। ताई जी के घर तो मैं अभी जाके आए थे, नहीं है वीर जी, खेल का मैदान भी नहीं। वहां तो मेरे वीर जी बिना मेरे इतनी देर नहीं खेल सकते। खेत, हाँ मैं खेत में जाके देखती हूँ, वीर जी जरूर खेत में होंगे। रतन पुत्र, क्या की तूने हले तक खाना तक नहीं खाया, चल ले खा। वही तो चाहिए जी, शाम होने को है, रणवीर अभी तक आया नहीं। अरे पुत्र, वीरा को सताने के वास्ते ना, उसको छेड़ने के वास्ते किसी दोस्त के घर में बैठा होगा छुपके, आ जाएगा, चिंता मत कर। पर चाहिए जी, स्कूल से नहीं आया, खाने पे भी नहीं आया, और अभी मैनू फिक्र हो रही है कहीं कुछ। हाय रब्बा रतन, तू भी ना। अरे पुत्र, दोस्त के घर में क्या खाना नहीं बनता होगा? खाता ही है ना वो, खा लिया होगा किसी दोस्त के घर में खाना, इतनी देर तक भूखा रह सकता है वो? और तू ऐसी बात कर रही है जैसे हम किसी बहुत बड़े शहर में रहते हैं और किसी गली कोची में खो गया हमारा पुत्र। चल तू खाना खा। एक बार उसे आ जाने दो ना। मैंने कहा ना आ जाएगा वो, तो चुपचाप खाना खा। घर गई थी, सब जगह ढूंढ लिया, इतने भी नहीं मिले वो। बीजी और चाय जी ने भी बीजी ने सुबह से नहीं देखा, ये चले गए बीजी। अच्छा, अब फिकर हो रही है तेनू? बेचारा रणवीर कल से तेनू मनाने की कोशिश कर रहा है, तू उससे बात तक नहीं कर रही है, उसको कितनी फिकर हो रही है इस टाइम। अब उसका क्या? जब बीजी मैनू मिलेंगे मैं उनसे माफी मांग लूंगी, पर वो मिले तो सही। बीजी बताओ ना, कैसे ढूंढूं मैं उन्हें? मैं तेने का अच्छी सी तरकीब बताता हूँ। जब मैं खेतों में एक बारी मेरी अच्छी वाली पेन गिर गई थी, तो मैंनू पता भी नहीं चला। पहले तो मैं बहुत रोया, मेरी इतनी बढ़िया सी पेन कितने गिर गई। मैं वापस खेतों में आया उसे ढूंढने, और फिर मैंने याद आया कि वो कितने गिरी थी, उसे ढूंढा तो मुझे आसानी से मिल गई। मैंने भी उठे जाना चाहिए जितने वीची खो गए थे। वीची, मैं आपको इस बार जल्दी जल्दी ढूंढ निकालूंगी, ठीक है? तेरे भी वीची।
चाची आपने मेरे विष्णु देखा है कि वो सुबह सुबह इतने खो गए थे। पता नहीं यहीं पे कहीं हो गए, क्यों परेशान हो रही है? अरे नहीं मिल रहे ना, वो जरूर कहीं छुप गए होंगे और मैंने तंग कर रहे होंगे। चाची जी आपने मेरे विष्णु देखा है कि वो इतने से पता नहीं कितने गायब हो गए सुबह। नहीं बेटा हमने तो आपके वीर को नहीं देखा। आपने भी नहीं देखा तो किसने देखा होगा? ताई जी आपने मेरे वीर जी ने देखा है कि? नहीं बेटा नहीं। चाचा जी आपने मेरे वीर जी ने देखा है कि? नहीं पुत्र मैंने तो नहीं देखा। ये भी नहीं है तो कितने गए मेरे वीर जी? सब जाके ढूंढ लिया, सबसे पूछ भी लिया पर वो मिल ही नहीं रहे और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। चाची मैंने वीर जी अभी तक नहीं मिले और जिसको भी पूछो ना वो मेरी मदद ही नहीं कर रहा और आपने भी नहीं किया। रब जी ठीक है इतना तो कर सकते हो ना रब जी, मेरे वीर जी जितने भी छुपे हो उन्हें बोल दो कि वो जल्दी से मेरे पास आ जाए, खेलना बंद करे। मैं घर जा रही हूँ रब जी, मेरे वीर जी जल्दी से घर भेज रही हूँ ठीक है? हाँ दलबीर वीर जी दादा जी का, उससे मेरे वीर जी मनु जरूर मिल जाएंगे। रणवीर पुत्र बस थोड़ी देर में ना मैं रोटी बना दूंगा तो दोनों आराम से बैठकर खाएंगे पहली बार बाप बेटे की तरह। वो क्या ना पुत्र मेरे को तो इतनी अच्छी तरह बनाने आती नहीं पर तू फिक्र ना कर। अब मैं मेरी वीर जी को जरूर ढूंढ लूंगी। मैं उसी रास्ते से जाऊंगी जिस रास्ते से मैं और मेरे वीर जी सुबह स्कूल जा रहे थे, तो मैंने पता चल जाएगा मेरे वीर जी कब और कैसे गायब हुए थे। तो मैंने सही वीर जी मिले थे और मेरे पीछे पीछे वीर जी आ रहे थे तो फिर पीछे कितने चले गए थे तो छुपे थे वो और जब मैं आई थी तो उन्होंने मैंने अचानक से भाव कर दिया एकदम सामने से। वो अभी कितने गए? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।